यदि आपके घर परिवार में कोई संकट है, मेहनत करते हैं, फिर भी फल नहीं मिलता, खर्चे बढ़ते जाते हैं, घर के लोगों में आसपास मनमुटाव और मानसिक तनाव रहता है, धन की आगमन रुक गई है, बच्चों की शिक्षा पूर्ण होने के बावजूद भी स्थायी रोजगार नहीं है, कोई ना कोई समस्या यदि आपको घेरे रहती है, तो दोस्तों ये सारी समस्याओं का सलूशन भी है, बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है, वो भी बिल्कुल गुप्त तरीके से। हम ये सभी जानते हैं कि हर दिन वार का अपना अपना महत्व होता है। शनिदेव का दिन शनिदेव को समर्पित है। शास्त्र में शनि को छाया मातृंड कहा गया है, अर्थात शनि का संबंध छाया और अंधेरे से है। शनि के दिन काली शक्तियाँ अपने प्रचुर प्रभाव से लोगों पर अपना प्रभाव असर दिखाती है तथा अभिचार का कर्म सर्वाधिक रूप से इस दिन होता है, परंतु इस सबसे बचने के लिए और शनि को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की औषधियाँ का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, जिनसे धूप करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। लोबान शनि का प्रिय एक ऐसा पत्थर है जिसकी धूप करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है तथा नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है। लोबान में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, जिसके जलने से एक अलग सा गंध का धुआं उत्पन्न होता है, जिसके प्रभाव से काली शक्तियाँ और नकारात्मक शक्तियाँ उस स्थान को छोड़ देती है। सर्वाधिक गुणवत्ता का कॉर्डियल लोबान होता है, जिसको अंगारों पर चलाने से वातावरण शुद्ध होता है तथा सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान होता है। अनेक प्रकार से धूप में तंत्र से संबंधित सर्वश्रेष्ठ धूप माना गया है। ये उपाय हो सके तो प्रतिदिन करें, अन्यथा शनिवार को अवश्य करें। इसकी विषय में घर के सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य से बात ना करें, गुप्त रूप से इस उपाय को करें। लोबान को जलाने की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। ये ना सिर्फ एक परंपरा है, बल्कि स्वास्थ्य पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। दरअसल लोबान से निकलने वाले धुएं से मानसिक शांत होता है और शारीरिक थकान भी कम होती है। यह आपकी त्वचा की झंझनाहट को भी कम करता है। जब कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो उसे मानसिक शांति मिलती है और वह अवसाद मुक्त होने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मानसिक तनाव मुक्त रहे, शांत रहे और आप अवसाद से दूर रहे, तो आपको अपने घर में लोबान अवश्य जलाना चाहिए। गुरुवार के दिन किसी समाधि विशेष पर लोबान जलाने से पारलौकिक मदद मिलना शुरू हो जाती है। महीने में दो बार किसी भी दिन उपले पर लोबान रखकर जलाइए, फिर लोबान को घर में चारों ओर घुमा दे। लक्ष्मी जी को लोबान की सुगंध बहुत प्रिय है, सुगंध से खींची चली आएगी लक्ष्मी जी। इसके साथ आप यदि यह चमत्कारी उपाय कर ले तो सोने पे सुहागा है। किसी भी रात 3 से 5 बजे के बीच उठे, अपने घर के उस स्थान पर जाइए जहाँ से खुला आसमान दिखता हो। पश्चिम की ओर मुख करके दोनों हाथ आसमान की ओर उठाकर लक्ष्मी जी को धन की भिक्षा मांगे, फिर दोनों हथेलियों को मुँह की ओर फेर ले। कुछ दिनों में आमदनी के स्रोत बढ़ने लगेंगे। यह उपाय आप किसी भी दिन से भी शुरू कर सकते हैं। यदि देखा जाए तो घरों में धूनी यानी धूप देने की परंपरा काफी प्राचीन है। धूप देने से मन को शांति और प्रसन्नता मिलती है, साथ ही मानसिक तनाव दूर करने में भी इसका बहुत लाभ मिलता है। घरों में धूनी देने के लिए कई तरह की चीजें आती है, आइए जानते हैं किस चीज की धूनी करने से क्या फायदे होते हैं। और लौंग, रोजाना सुबह और शाम घर में कपूर और लौंग जरूर जलाइए। आरती या प्रार्थना के बाद कपूर जलाकर उसकी आरती लेनी चाहिए, इससे घर के वास्तु दोष खत्म होते हैं, साथ ही पैसे की कमी नहीं होती। हफ्ते में एक बार किसी भी दिन घर में कड़े जलाकर गूगल की धूनी देने से ग्रह कलह शांत होता है। गूगल सुगंधित होने के साथ ही दिमाग के रोगों के लिए भी लाभदायक है। पीली सरसों, गूगल, लोबान, गौघृत को मिलाकर सूर्यास्त के समय उपले यानी कंडे जलाकर उस पर ये सारी सामग्री डाल दे, नकारात्मकता दूर हो जाएगी। घर में पैसे नहीं टिकते तो रोजाना महाकाली के आगे एक धूप बत्ती लगाइए। हर शुक्रवार को काली के मंदिर में जाकर पूजा करें। घर में सप्ताह में एक या दो बार नीम के पत्ते की धूनी जलाइए,
इससे सभी तरह के जीवाणु नष्ट हो जाएंगे, वही वास्तु दोष भी समाप्त हो जाएगा। अगर, तगर, कुष्ठ, शौचल्य, शकरा, नागर, चंदन, इलायची, तज, नखनकी, मुशीर, जमाट मासी, कपूर, ताली, सादलन और गुगुल, ये 16 तरह के धूप माने गए हैं। इसकी धुनि से आकस्मिक दुर्घटना नहीं होती है। चंदन, कुष्ठ, नखल, रल, गुड़, शर्करा, नखंद, जटामासी, लघु और श्रोत्र सभी को समान मात्रा में मिलाकर जलाने से उत्तम धूप बनती है। इसे दशांग धूप कहते हैं। इससे घर में शांति रहती है। घर में यदि किसी ने कुछ तंत्र कर रखा है तो जावित्री गायत्री केसर लाकर उसे कूटकर मिला ले। इसके बाद उसमें उचित मात्रा में गुगल मिला ले। अब इस मिश्रण की धूप रोजाना शाम को दे। ऐसा 21 दिन तक करे। जिस घर में आदित्य मंत्र का उच्चारण किया जाता है उस घर परिवार में 1000 वर्ष तक गरीबी नहीं आती। तन, मन और धन से समृद्ध बनी रहती है। मंत्र जमांत्र सहशोस्त्रोषु दारिद्र्य निपोजायते। सुबह उठकर नित्य कामों से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए और फिर इस मंत्र का जाप करें। अन्य उपाय करना चाहे तो माँ अपने हाथों से चावल का एक दाना या चांदी का टुकड़ा अपनी संतान को भेंट रूप में दे। संतान इसे संभाल कर रखे। धन संबंधित कोई भी समस्या जीवन में कभी सिर नहीं उठाएगी। पैसा व्यक्ति की पावर होता है। इसके अभाव में जीवन यापन करना असंभव है, लेकिन कुछ लोगों की इच्छा होती है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। धर्म पुराणों में कहा गया है जो लोग मेहनती होते हैं उन पर सदा लक्ष्मी मेहरबान बनी रहती है। घर में धन संपत्ति के द्वार खुले रहें, यह संभव है। आप ये उपाय के साथ साथ अच्छे कर्म भी करते रहें। कर्म और मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं। इति शुभम। आपका हर दिन मंगलमय हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।